जय हिंद दोस्तों। एक तरफ है आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के पुलिस ऑफिसर्स, दूसरी तरफ है इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स। दोनों में क्या अंतर है, किसके पास कितना पावर है, आज के इस वीडियो में इन दोनों को कंपेयर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस के लिए अप्लाई किया जाता है और यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस ज्वाइनिंग रैंक होता है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक आईपीएस ऑफिसर को राजनीतिक और पब्लिक दोनों का ही ख्याल रख के ड्यूटी करना होता है और एक आईपीएस पुलिस ऑफिसर का काम है स्टेट के इंटरनल मामलों को सुलझाना, स्टेट के अंदर क्राइम को रोकना, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और क्रिमिनल को कोर्ट में पेश करना आईपीएस ऑफिसर का मेन काम है। इसके अलावा भी वीआईपी सिक्योरिटी के लिए भी एक आईपीएस ऑफिसर का इस्तेमाल किया जाता है। आईपीएस ऑफिसर का जो ड्यूटी टाइम है वो नॉर्मल पुलिस जैसा ही होता है, लेकिन आईपीएस ऑफिसर्स के छुट्टी बहुत कम होती है। फेस्टिवल सीजंस में एक आईपीएस ऑफिसर का ड्यूटी और ज्यादा बढ़ जाता है। बात करते हैं एक आईपीएस ऑफिसर के पावर के बारे में। एक आईपीएस ऑफिसर की पावर एक स्टेट लेवल पे बहुत ज्यादा होता है। एक आईपीएस ऑफिसर अपने स्टेट में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सीएपीएफ, एनएसजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, सीबीआई, ये सभी को लीड करता है एक आईपीएस ऑफिसर। एक जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एक आईपीएस ऑफिसर ही होता है जिनके अंडर में पूरी जिला की पुलिस काम करती है, तो जिले में उनका सम्मान और उनके पावर बहुत ज्यादा होता है। एक आईपीएस ऑफिसर के बेस रैंक यानी कि एएसपी की भी अगर गाड़ी कहीं से निकलती है तो उसके आगे तीन पुलिस वैन, उसके पीछे तीन पुलिस वैन और बीच में एएसपी की गाड़ी जाती है। आईपीएस ऑफिसर्स को अच्छे क्वार्टर की फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी, अपने पर्सनल कार की फैसिलिटी दिया जाता है। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर को अपने ड्यूटी के दौरान बहुत ज्यादा टेंशन और प्रेशर भी हैंडल करना होता है। डिस्ट्रिक्ट में पीस को मेंटेन करना उनका काम है, दूसरी तरफ राजनीतिक का प्रेशर भी उनके ऊपर रहता है। दिल्ली को छोड़कर के भारत के लगभग सभी राज्य के पुलिस उसी राज्य के चीफ मिनिस्टर के अंडर में आता है और उसी राज्य के चीफ मिनिस्टर के रूलिंग पार्टी के एमएलएस एमपीज अगर चाहे तो एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर दबाव बना सकता है। देखिए, ये जनरली तो इलीगल है। आईपीएस ऑफिसर की कुछ दायरे होते हैं, वो उन दायरे के अंदर में ही काम करता है, कुछ लॉज होती है उन लॉज के अंडर में ही काम करता है, लेकिन एक राजनेतक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर प्रेशर बना सकता है और एक आईपीएस ऑफिसर को बहुत ज्यादा प्रेशर भी झेलना होता है क्योंकि एक जिले की पावर जब एसपी के हाथ में होता है तो जिले में कहीं पर भी कुछ मर्डर हो रहा है, कुछ भी क्राइम हो रहा है तो ऊपर चलते चलते दबाव एसपी के ऊपर ही आता है, जवाब ऊपर एसपी को ही देना है, तो इसीलिए आईपीएस ऑफिसर में टेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फैसिलिटीज भी उतना ही ज्यादा है, पावर भी उतना ही ज्यादा है। अब बात करते हैं हमारे देश के उन लेजेंडरी देशभक्तों के बारे में जो भारतीय सेना के नाम से जाने जाते हैं, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी नेशनल डिफेंस एकेडमी और उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी क्रॉस करके ज्वाइन किया जाता है। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर से बहुत ज्यादा हार्ड होता है और इंडियन आर्मी में जब एक लड़का कमीशन होता है तो वो लेफ्टिनेंट रैंक में कमीशन होता है। एक आईपीएस ऑफिसर और लेफ्टिनेंट की सैलरी लगभग सेम होती है, लेकिन इंडियन आर्मी में कुछ ऐसे फैसिलिटीज हैं जो आपको ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि कैंटीन की फैसिलिटी, आर्मी स्कूल की फैसिलिटी, आर्मी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी, ये सारी चीजें आर्मी फैमिलीज के लिए ही रिजर्व्ड है। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का मेन काम होता है युद्धकालीन परिस्थिति में इस देश को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करना। देश के अंदर घटित होने वाली क्राइम को सुलझाने के लिए पुलिस है, लेकिन देश को बाहरी दुश्मनों से रोकने के लिए या फिर बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए इंडियन आर्मी है। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और युद्धकालीन परिस्थिति में इंडियन आर्मी को फ्रंट फुट में भेजा जाता है। इंडियन आर्मी इस देश का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इंडियन आर्मी अगर खत्म हो गया तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इंडियन आर्मी ऑफिसर का पावर की, क्योंकि इंडियन आर्मी एक अलग ही तरीके का जॉब है दोस्त, ये एक अलग रुतबा है, ये देशभक्तों का जॉब है। यहाँ पर जाने के बाद आप अपने काम को नहीं कर रहे हैं, आप अपने जान तक कुर्बान करने से पहले दोबारा नहीं सोचेंगे इस देश के लिए, हमारे लिए। इसीलिए इंडियन आर्मी का पावर भी बहुत ज्यादा होता है। इंडियन आर्मी के कोई भी सोल्जर अगर इस देश के किसी भी कोने में किसी भी मुसीबत में पड़े, अगर कोई भी उसके साथ में खड़ा ना हो, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी हमेशा से उसके साथ में खड़ा रहेगा, उसके रेजिमेंट के लोग उसके साथ में खड़े रहेंगे, उसके पलटन के बंदे उसके साथ में खड़े रहेंगे, वो घर में घुसकर ठोक कर आएंगे, चाहे कोई भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बंदों के ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए। इंडियन आर्मी हमेशा इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के साथ में खड़े रहते हैं। इंडियन आर्मी में एक अलग ही तरीके का, अलग ही लेवल का ब्रदरहुड है। यहाँ पर कोई कसम नहीं खाई जाती है एक दूसरे के साथ में रहने की, लेकिन एक बंदा दूसरे बंदे के लिए गोली तक खाएगा, जान तक देगा। इंडियन आर्मी में चैलेंजेस भी आईपीएस ऑफिसर से बहुत ज्यादा होता है। इंडियन आर्मी में कई सारे ड्यूटीज हाई ऑल्टीट्यूड्स पर होते हैं, 17,000-18,000 फीट ऊंचाई पर, जहाँ पर सांस लेना मुश्किल है, वहां
पर भी इंडियन आर्मी तैनात है। सियाचिन, ग्लेशियर, जम्मू एंड कश्मीर जैसे जगहों पर इंडियन आर्मी तैनात है। आईपीएस से ज्यादा ट्रेनिंग इसको दी जाती है, आईपीएस से ज्यादा कठिन काम ये करते हैं, कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं। तो अगर एक स्टेट में आर्मी ऑफिसर के पावर के बारे में बात करें तो दोस्त ये पूरा देश इंडियन आर्मी का ही है। वो है तो हम है, ये पूरा देश उनका है और पूरे देश के लोग उनके साथ में खड़े हैं। इसीलिए उनको किसी भी तरह के पॉलिटिकल पावर की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत की जनता उसके साथ में खड़ा है। तो एक आईपीएस ऑफिसर को जहां पर राजनीतिक प्रेशर के साथ साथ में टेंशन और पूरे जिले की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, वहीं पर एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर को अपने सीनियर के ऑर्डर्स के साथ साथ में इस पूरे देश का ध्यान रखना होता है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पावर एक जिले में या फिर एक स्टेट में ही फैला हुआ है, लेकिन भारतीय सेना के ऑफिसर्स की पावर इस पूरे देश में फैला हुआ है। कोई भी पार्टी के राजनीतिक लीडर या फिर नेता एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकता। आशा करता हूँ आप आईपीएस ऑफिसर और आर्मी के बीच में क्या अंतर है ये समझ चुके होंगे। इन दोनों में कौन बेहतर है शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, कौन इस देश के लिए लड़ता है शायद वो भी बताने की जरूरत नहीं है। इंडियन डिफेंस रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।